नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन ओवर सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क् रूट डी एक्स इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है इसकी सिंप्लीफिकेशन जी हम इस तरह का पैटर्न पहले हमने बात की थी कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पैटर्न अवेलेबल हो तो उसको हम स्केयर कंप्लीट करने की तरफ ले जाएंगे लिहाजा हम इसका अब स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं ये हम ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन पहले कर चुके हुए हैं तो पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं सबसे पहले स्टेप में हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया ताकि आपके पास ये एक्स x² जो माइनस में है वो पॉजिटिव टर्म बन जाए सो दैट विल बिकम x² 6x एंड 7 जो कि प्लस था माइनस कॉमन लेने की वजह से -7 बन गया जी ये स्क्वायर कंप्लीट हम पहले भी कर चुके हैं आप इसको छोटी क्लासेस में भी एक्सरसाइज कर चुके हुए हैं माइनस एज इट इज रहा ये एक्स स्क् प्लस टू ए बी बनाते हैं टू ए एक्स है बी थ्री रखेंगे तो ये सिक्स एक्स कंप्लीट हो जाएगा सो दैट इज एक्चुअली बी स्वेयर तो थ्री स्केयर एड भी कर दिया और थ्री स्क्र सब्ट्रैक्ट भी कर दिया माइनस सेवन एज इट इज रहा तो इस तरह अब आपके पास ये चीज बन गई डीएक्स नाउ माइनस एज इट इज एक्स स्क्र प्लस टू ए बी प्लस थ्री स्क्र दैट इज एक्चुअली ए प्लस बी होल्स ए इज एक्स एंड बी इज थ्री विल बिकम एक्स प्लस थ्री होल्स के माइनस नाइन बनेगा माइनस सेवन विल बिकम माइनस सिक्सटीन माइनस हमने अप्लाई कर दिया तो ये बन गया प्लस सिक्सटीन माइनस एक्स प्लस थ्री होल्स के ये माइनस अप्लाई किया तो यह माइनस बन गया और यह माइनस और माइनस प्लस सिक्सटीन में कन्वर्ट हो गया नाव सिक्सटीन कैन बी रिटर्न एज फोर स्केयर माइनस एक्स प्लस थ्री होल स्केयर एज इट इज रहा इस तरह करने से आपके पास ये दो स्केयर बन गए वन इज कॉन्स्टेंट स्केयर एंड अदर इज वेरिएबल स्केयर तो अगर वन ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट तो इसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है विच इज साइन इनवर्स एक्स ओवर ए हेयर एक्स इज एक्स प्लस थ्री एंड ए इज फोर तो आपके पास ये इंटीग्रेशन बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस थ्री ओवर फोर प्लस इंटीग्रेशन एज इट इज रहा तो इस तरह आपके पास ये इंटीग्रेशन बन गई गिवन क्वेश्चन की तो बस हमने ये देखना था कि इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हुए हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन uh, आए तो आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है स्क्वायर कंप्लीट करने से आपके पास वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर या माइनस कांस्टेंट स्केयर या कांस्टेंट स्केयर माइनस वेरिएबल स्केयर इन तीन पैटर्न में से कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा जिसका ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है तो हमने स्केयर कंप्लीट किया जिससे आपके पास यह कांस्टेंट स्केयर माइनस वेरिएबल स्केयर बना विच इज इक्वल टू साइन इन वर्स एक्स ओवर ए एक्स इज एक्स प्लस थ्री एंड ए इज फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स एन टू लॉग साइन एक्स फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं कॉस साइन एंड लॉग साइन इसलिए इन तीनों का मिलकर तो कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है सिंप्लीफिकेशन देखें हम तो ज्यादा से ज्यादा भी अगर करने की कोशिश करें आपके पास ओवर साइन कॉट बन जाएगा और लॉग साइन वैसे ही मौजूद है लिहाजा अब सिंप्लीफिकेशन करके भी कोई इंटीग्रेशन की तरफ हम नहीं जा रहे कोई स्टैंडर्ड इंटेग्रल बन जाए तो इस तरह हम अब सब्सिट्यूशन की तरफ आते हैं अब सब्सिट्यूशन किसकी कर सकते हैं आपके पास यहां तीन चीजें हैं कॉस एक्स साइन एक्स और लॉग साइन एक्स अगर हम साइन एक्स को पुट करें तो कॉस एक्स डीएक्स ये बन सकता है एक पॉसिबल सब्सिट्यूशन लॉग साइन एक्स को करें या कॉस एक्स को करें तो हम अब अब्सिट्यूशन स्टार्ट करते हैं और पुट किया लॉग साइन एक्स इज एक इक्वल एक टू टी इस तरह करने से लॉग साइन एक्स ये टी बन गया एक्स का डिफरेंशियल लिया लॉग का फॉर्मूला वन ओवर साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डीएक्स टी का डिफरेंशियल डी टी तो अब आपका ये सारे का सारा क्वेश्चन सिर्फ इस एक सब से कन्वर्ट हो जाएगा द न्यू वेरिएबल टी में लॉग साइन एक्स ये वाले इसकी जगह टी और बाकी सारा पोर्शन कॉस ओवर साइन डीएक्स ये देखिए कॉस ओवर साइन डीएक्स दैट विल बिकम डी टी जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉस ओवर साइन एक्स लॉग साइन एक्स को हम लिख सकते हैं log sin x और बाकी जो पैटर्न सेपरेट करके लिख दिया ताकि और ये वाला पोर्शन कॉस ओवर साइन डीएक्स डी टी बन गया तो अब आपके पास ये जो बाहिर थोड़ा सा लेंथी एक्सप्रेशन था एक बहुत छोटे सेन ओवर टी में चेंज हो गया और वन ओवर टी का फॉर्मूला अवेलेबल है विच इज लॉग ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन हो गई तो दोबारा टी की वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स और वो थी लॉग साइन एक्स तो इस तरह आपके पास लॉग वैसे ही रहा टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बिकम द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑलमोस्ट सेम वही तीन चीजें इसमें भी नजर आ रही हैं कॉस साइन और लॉग साइन बस फर्क यह है कि log sin x डिनोमिनेटर में नहीं है बल्कि न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया जी बहुत आसानी से आप यह खुद कर सकते हैं वही सब्स्टिट्यूशन हमने की वैल्यू पुट की तो सिर्फ जो t नीचे बना था वही चेंज आई जो log sin x पहले डिनोमिनेटर में था अब न्यूमरेटर में है? तो उससे जो t 1 ओवर t बना था अब t dt बन गया और t का इंटीग्रल हमारे पास है व्हिच इज t स्क्वायर ओवर 2 फार्मूला अवेलेबल है कि t पावर में वन ऐड कर देंगे उसी पावर से डिवाइड तो t की पावर में वन ऐड किया वन प्लस वन टू और वही पावर डिवाइड कर दी लास्ट में हम t की वैल्यू पुट करेंगे t x, तो t वाज इक्वल टू तो की जगह लॉग साइन एक्स लगाया स्केयर बना डिवाइडेड बाई टू एज इट इज रहा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो दैट विल बिकम द सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन तो क्वेश्चन 15 और 16 ऑलमोस्ट सेम सिर्फ छोटे से फर्क के साथ तो पहले जो फंक्शन डिनोमिनेटर में था अब न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो गया है